स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का लेसन नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का लॉन्ग क्वेश्चन। ये लेसन आप लोगों ने पहले रीड किया हुआ है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। आपको इसकी स्टोरी भी ध्यान में आ जाएगी और अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। गॉर्डन कुक डिस्क्राइब्स हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी। गॉर्डन कुक ने इसमें अपनी एक रोमांचकारी यात्रा का, जो कि उसने समुद्र पर की थी, उसका वर्णन किया है। फॉर दिस ही इंस्पायर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक, और इस जर्नी के लिए वो जिससे इंस्पायर हुआ था उनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। इन्होंने 200 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी। दिस वॉयज स्टार्टेड इन जुलाई 1976, यानी कि जो 200 साल हैं वो 1976 से पहले के 200 साल हैं जिनमें कैप्टन जेम्स कुक ने की थी ये जर्नी समुद्र पर। और अब जुलाई 1976 में जो राइटर है वो ये जर्नी कर रहे हैं। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम द सी पोर्ट ऑफ प्लाईमाउथ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के एक प्लाईमाउथ नाम का सी पोर्ट है, एयरपोर्ट हवाई अड्डा होता है, सीपोर्ट मतलब समुद्री अड्डा, और उस समुद्री अड्डे का नाम था प्लाईमाउथ, जो कि इंग्लैंड में था। वहाँ से उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। हिज वाइफ मैरी, डॉटर शू जो कि 7 ईयर्स ओल्ड थी, एंड हिज सन जोनाथन जो कि 6 ईयर ओल्ड थे, वर ऑल्सो विद हिम। ये तीनों भी उनके साथ थे, वाइफ मैरी, डॉटर शू एंड सन जोनाथन। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अबाउट 2,55,000 किलोमीटर। ये जो जर्नी थी पूरी 2,55,000 किलोमीटर की थी। सो दे मेड ए स्ट्रॉन्ग बोट विच नेम वॉज वेव वॉकर। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बोट बनाई जिसको नाम दिया वेव वॉकर का। द फर्स्ट फेज ऑफ देयर जर्नी वॉज अबाउट 1,05,000 फ्रॉम केपटाउन। केपटाउन से तक थी उनकी पहली जो यात्रा थी, उसका पहला चरण था 1,05,000 का। हेयर ही टुक टू सेलर्स लैरी एंड हर्ब। यहाँ पर उन्होंने दो और नाविकों को लिया जिनका नाम था लैरी एंड हर्ब। द साउथर्न इंडियन ओशन वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टॉर्मी ओशन। और ये जो ओशन था साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर हिंदी में बोलते हैं, वो संसार का सबसे तूफानी महासागर माना जाता है। सो दे हैड ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स फॉर इट। और इसीलिए उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थी कि कैसा मौसम वहाँ हो सकता है और किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है वहाँ पर। द सेकेंड फेज वॉज अबाउट 1,50,000 किलोमीटर एंड कम्प्लीटेड रीचिंग एट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद उनका जो दूसरा चरण था यात्रा का, जो कि 1,50,000 का था, वो पूरा हुआ। ऑन 25th दिसंबर देयर बोट वॉज इन 3,500 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ केपटाउन। केपटाउन के ईस्ट में थी 25 दिसंबर को उनकी बोट 3,500 किलोमीटर ईस्ट में। द वेदर वॉज नो गुड। 25 दिसंबर को मौसम जो था वो अच्छा नहीं था। विद दिस कंडीशन दे सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर। और इसी कंडीशन के साथ उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, यानी कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम जो है वो खराब ही रहा। ऑन 2nd जनवरी, फिर 2nd जनवरी को क्या हुआ? द वेदर बिकेम वेरी टेरिबल, और ज़्यादा भयानक हो गया, और ज़्यादा ख़राब हो गया। दे कॉट इन द स्टॉर्मी सी, और वो समुद्री तूफान में फंस गए। इट वॉज कॉन्टिन्यूड फॉर 3 डेज, और ऐसा मौसम जो है वो 3 दिन और रहा। 2nd जनवरी को और ज़्यादा ख़राब हुआ, और उसके नेक्स्ट 3 डेज और ज़्यादा ख़राब ही रहा मौसम। देयर शिप वॉज स्मैश्ड बैडली। उनकी जो शिप थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा टूट फूट चुकी थी। बट दे नेवर लॉस्ट देयर हर्ट का मतलब है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एंड शोड एन अनयूजुअल करेज, और एक असाधारण साहस उन्होंने दिखाया। इन दी एंड ऑन 6th जनवरी दे स्पॉटेड एट ए टीनी आइलैंड जिसका नाम था एमस्टर्डम। एक छोटे से आइलैंड पर वो उतरे जिसका नाम था एमस्टर्डम, जो कि 65 किलोमीटर वाइड था और 28 पीपल लिव्ड ऑन इट। केवल 28 लोग इस आइलैंड पर रहते थे।
आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.